स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले 11th कॉमर्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 8 के पहले मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज करवाने वाला हूँ। अगर आपने आगे के 7 लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा कि आप हमारे नीचे दिए गए प्लेलिस्ट को एक बार देख ले, जिसके अंदर सारे अकाउंट्स के लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज भी मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे होगी और साथ साथ में पूरे 11th कॉमर्स का भी प्लेलिस्ट है, तो आप उसको खास करके देख लेना तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आज यार जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेक्चर में 8 के अंदर, वो है कॉम्प्लेक्स सम्स। कॉम्प्लेक्स सम्स इसलिए क्योंकि हमने सिंपल वाले सम्स देख लिए थे 2-fold के अंदर। अगर टीचर चाहे तो जो भी मैं यहाँ पे आप लोग को सम्स दे रहा हूँ वो सम्स आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आने वाले होंगे, जो आपके फर्स्ट टर्म के अंदर होगी। नॉर्मली ये चैप्टर फर्स्ट टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज दे देता है, फिर धीरे धीरे इसका वेटेज कम हो जाएगा जैसे जैसे आप 11th के अंदर आगे चलते जाओगे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। मैंने बोला हुआ था कि इसको देखा कैसे जाता है। अगर मैं बात करूँ ट्रांजैक्शन को 2 हिस्सों में बांट देना है, आइदर वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, तो आपको ये देखना है क्या वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्या वो स्पेशल ट्रांजैक्शन है। आज के लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन मैंने स्पेशल ट्रांजैक्शन भी रखा हुआ है साथ साथ। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट पता है, वो रियल के अंदर आता है, वो आप लोग को भी पता है, और दूसरा अकाउंट आप लोग को ढूंढना होगा। अगर क्रेडिट है तो पार्टी का नाम आपको मिल जाए, वो पर्सनल अकाउंट में आता है, दूसरा अकाउंट आपको ढूंढना है। आपकी 2-fold इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। सो हम लोग शाम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक इजी वाला पार्ट रखा हुआ है जो आपके सामने यहाँ पे, इजी वाले पार्ट को देखते हैं कि यहाँ पे है क्या। अगर मैं बात करूँ टू के गुड्स ऑफ रुपीज 200 फॉर अ पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए ओनर ने गुड्स ले ली। अब ये कहानी को समझते हैं, क्या ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। तो आपका आंसर आएगा सर ये इकोनॉमिक है। ओके, क्या ये कैश है? नहीं सर, कैश के बारे में तो कुछ बोला हुआ नहीं है क्योंकि वो गुड्स लेके गया तो कैश तो नहीं हो सकता। क्या वो क्रेडिट है? नहीं सर, क्रेडिट भी नहीं है क्योंकि ओनर बाद में पैसा भी कभी नहीं देना। तो ये कौन से ट्रांजेक्शन? तो ये हुए स्पेशल ट्रांजेक्शन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे गुड्स के बारे में एक बात हो रही है, जब भी कोई ओनर गुड्स लेके जा रहा है तो उसे हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पे सुनना मेरी बात को ध्यान से, इसलिए मैंने बोला था ये कॉम्प्लेक्स है। सुनना, 2 इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक तो आ जाए क्योंकि ओनर ने पर्सनल यूज के लिए लिए हुए, तो ओनर के 2 नाम होते हैं, कभी भी याद रखो। अगर वो कुछ चीज लेके आ रहा है तो उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं, अगर वो कुछ चीज लेके जा रहा है जैसे विलन वाली बात हो जाए तो उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट डाल रहा हूँ ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब ये मैंने ड्रॉइंग्स तो लिख दिया, ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है? पर्सन। इसके अलावा मुझे एक दिखाई दे रहा है, वो आ रहा है गुड्स। गुड्स को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इसके अलावा इसको अगर आप आगे जाओगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर तो इसे हम लोग परचेज में लिखेंगे। इसे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? परचेज में। सर ऐसा क्यों? उसका आंसर मैं चैप्टर नंबर 4 में दूंगा, तो अभी के लिए इतना लोड मत लो, पर आपके स्कूल के टीचर ने जिस हिसाब से सिखाया उसको देख लो। 11th के अंदर मेरी एक बहुत ही सिंपल सी फिलोसॉफी आप सब बच्चों के साथ, देखो मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ पे करवा रहा हूँ, पर अगर मान लो आपके स्कूल के अंदर कुछ अलग तरीके से सिखाया जा रहा है, या तो फिर वो बोल रहे नहीं यही सही दूसरी सारी चीज़ें गलत, तो मैं आपको बोलूँगा 11th के अंदर ना ईगो प्रॉब्लम मत क्रिएट करो अपने टीचर के साथ, क्योंकि आपके जो भी मार्क्स हैं वो 11th के स्कूल टीचर देने वाले, तो रिस्पेक्ट देम, वो जो बोले वो सही हो सकता है। हो सकता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना ना हो और वो क्या बताना चाहते हो और आप क्या परस्यू कर रहे हो वो दोनों में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा लगे तो हमें कमेंट भी कर सकते हो, तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की ट्राई कर लेंगे कहाँ पे। पर इसे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अगर गुड्स अकाउंट है या तो परचेज अकाउंट है जो भी कुछ, इसको हम लोग रियल या तो फिर नॉमिनल में डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्कूल टीचर। अगर नॉर्मली ये चीज़ जो आती है वो क्योंकि ये हमारा रियल हो जाता है क्योंकि गुड्स गोज आउट है, तो ये गुड्स के रिलेटेड है तो हम लोग उसे रियल में डाल देते हैं। पर कई स्कूल वाले इसे एक्सपेंस के तौर पे भी यहाँ पे बात करते हैं, तो अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। अब इसके ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है, याद रखना ड्रॉइंग्स हमेशा क्या होता है? डेबिट। और गुड्स गोज आउट है तो ये क्रेडिट है, क्योंकि रियल के अंदर समझो यहाँ पे गुड्स गोज आउट, तो मैं ये लिख देता हूँ गुड्स गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये गुड्स गोज आउट है तो ये क्रेडिट हो गया। और यहां पे ओनर इज द रिसीवर, ओनर इज द रिसीवर, तो ओनर रिसीवर है और अमाउंट थी 200 रुपए, तो मैंने यहां पे ये लिख दिया अमाउंट लिख दी 200 रुपए, ये मेरा ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये पहला ट्रांजेक्शन आपने अपनी लाइफ के अंदर देखा जो स्पेशल ट्रांजेक्शन।
तो ड्राइंग्स और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या तो फिर अगर आपको परचेज लिखवाया जाता है तो परचेज लिख दो, पर ये परचेज वाला कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 में जाके आ रहा है, पर मैंने अभी से क्लियर कर दिया, इसलिए आप जब भी ये लेक्चर देखो तब ऐसा ना लगे अरे सर हमारे स्कूल में तो कुछ और ही करवा रहे, ऐसा नहीं है। चलो फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज रिटर्न द गुड्स ऑफ ₹400, क्या ये इकोनॉमिक है? हाँ सर इकोनॉमिक है। क्या ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन और कैश में से कौन सा है? आप बोलो सर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ना तो कैश दिया पर पार्टी का नाम दिया, पार्टी का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो पहली चीज है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज। चलो एक तो आ गया, ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ओके रिटर्न अ गुड्स, रिटर्न अ गुड्स मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज रिटर्न द गुड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमें गुड्स वापस किए। अब उसमें भाई साहब ने क्यों वापस किए होंगे थोड़ा सोचते, तो मान लो ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि हमने गुड्स उनको बेचे हुए होंगे और उस बेचे हुए गुड्स में से उसे कुछ गुड्स पसंद नहीं आए होंगे या तो उनके ऑर्डर के हिसाब से नहीं होंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न करते वो गुड्स को तो उससे हम लोग बोलते मैंने बेचा हुआ माल वापस आ गया, तो इसे हम लोग बोलते सेल्स रिटर्न, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। यस तो लिख दिया मैंने सेल्स रिटर्न अकाउंट। चलो तो ये कौन सा अकाउंट बन जाता है? ये अकाउंट मेरा सेल्स रिटर्न अकाउंट जो बन जाता है वो रियल बन जाता है, क्योंकि गुड्स है। अब पर्सनल रियल में से किसका रूल अप्लाई करना है? रियल का रूल अप्लाई करना है। तो रियल भाई गुड्स हमने बेचे थे वो डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब ने वापस किए, डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब ने वापस, तो गुड्स कम्स इन, गुड्स अंदर आ रहे, तो गुड्स कम्स इन, और ये होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर ये डेबिट है तो ऊपर वाला क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और डॉक्टर स्ट्रेंज इज द गिवर। चलो ये हमारा काम हो गया। हाँ सर अमाउंट के बारे में 400 लिख देते, काम खत्म। वापस से मैं बोल देता हूँ हो सकता है आपके स्कूल के अंदर कोई अलग फॉर्मेट से लिखा है, पर इन्फॉर्मेशन यही रहने वाली है जो आपके चैप्टर 2 की काम की। कॉलम यहाँ से वहाँ पे हो सकता है इसको पहले लिखवाए इसको बाद में लिखवाए, हो सकता है डेबिट को पहले लिखवाए क्रेडिट को बाद में लिखवाए, पर जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे आपका काम होता जाएगा, तो टेंशन मत लेना। चलो नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 300 टू आयरन मैन, हमने आयरन मैन को गुड्स रिटर्न की। अब क्यों किए होंगे? मान लो मैंने कभी ना कभी उनसे खरीदा होगा माल और वो खरीदे हुए माल के अंदर मुझे पसंद नहीं आया होगा, या तो फिर वो एज पर ऑर्डर नहीं होगा या तो डिफेक्टिव होगा, मैंने उनको वापस कर दी। जब मैं वापस कर रहा हूँ आयरन मैन को तो ये चीज़ जो हो रही है वो परचेज रिटर्न हो रही है। आगे वाले में डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमें रिटर्न किया था, हम यहाँ पे आयरन मैन को रिटर्न कर रहे हैं, लॉजिक सेट हो रहा है? सही पकड़े हैं। अब पहले तो मैं ये देखो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, तो आंसर आएगा इकोनॉमिक। कैश या क्रेडिट, तो क्रेडिट है। तो सबसे पहले चीज तो मैं नाम लिख देता हूँ भाई आयरन मैन। इसके अलावा गुड्स है, गुड्स को मैंने यहाँ पे बोल दिया, ये बन जाएगा परचेज रिटर्न। सर गुड्स को हम लोग क्यों अलग अलग नाम से, मैंने बोला था गुड्स को हमेशा उसके आने जाने वाले नाम से याद रखना। कैसे आते हैं? अगर खरीद के आते हैं तो परचेज, बेच के बाहर जाए तो सेल्स, बेचा हुआ माल अंदर आता है तो भाई क्या बन जाता है? सेल्स रिटर्न। खरीदा हुआ माल वापस बाहर जाता है तो परचेज रिटर्न। उसके आने जाने के नाम से याद रखना, इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया परचेज। आयरन मैन जो है वो पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। रियल का रूल है क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैंने गुड्स जो खरीदे थे वो वापस कर दिए, वो मैंने क्या कर दिए? यस वापस कर दिए। जब मैं गुड्स को वापस कर देता हूं तो यहां पे गुड्स गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो गया, तो ये होने वाला है डेबिट, क्योंकि आयरन मैन इज द रिसीवर। मेरा यहां पे काम हो गया, अमाउंट था 300 और अमाउंट लिख दिया मैंने 300। यहां तक मेरा क्लियर है सारी चीजें? ये समझ में आ रही है बात है जो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, क्या वो समझ पा रहे हो आप लोग? अगर समझ पा रहे हो तो फटाफट से नीचे यस लिख दो, इसलिए हम लोग आगे बढ़ पाए। यहाँ पे हमने तीसरे कर लिए और भयानक आने वाले, और इसमें से मैं गारंटी देता हूँ आप में से कुछ तो एग्जाम के अंदर आएंगे ऐसे। ओपन एन अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया बाई डिपोजिटिंग कैश ₹10,000। ओके हमने बैंक ऑफ इंडिया करके एक बैंक है उसके अंदर अकाउंट खुलवाया ₹10,000 जमा करवा के। इकोनॉमी या नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के अलावा इसके साथ कैश या क्रेडिट,
क्योंकि बैंक में अकाउंट खुलवाना था तो कैसी देनी पड़ेगी, तो सर कैश ट्रांजेक्शन है। वेरी गुड, तो फोर्थ लिख देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक आ गया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सर बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, डिपॉजिटिंग कैश तो वो तो काम खत्म, ओपन एंड अकाउंट, तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देता हूँ, या तो फिर मैं लिख देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, जो भी नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। अब मैंने बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाया, तो मैंने कैश दी होगी या ली होगी, मुझे ये बताओ मेरे बिजनेस में से वो कैश अंदर आ रही है बाहर जा रही है? आप बोलोगे सर डेफिनेटली वो बैंक के पास जा रही है तो वो बाहर ही जा रही है। वेरी गुड, तो कैश गोज आउट, क्योंकि रियल में कम्स इन और गोज आउट ही देखना होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैश गोज आउट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्रेडिट, तो ये होगा डेबिट। अब क्योंकि पर्सनल में हो सकता है आइदर रिसीवर या तो गिवर, और डेबिट आ रहा है तो सिंपल सी बात है बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर, बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर। चलो अब अमाउंट है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिए, 10,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए, चलो हमारा काम हो गया खत्म। फिर उसके बाद विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस ₹1500, हमने बैंक में से 1500 रुपये उठाए, किसके लिए उठाए? ऑफिस एक्सपेंस के लिए उठाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर ट्रांजेक्शन, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 4 में भी जाके गलती होती है, और प्रॉब्लम ये आता है बताए आप लोगों के साथ, दिक्कत ये होती है आप लोग ये समझते हो कि सर हमें चैप्टर नंबर 4 नहीं समझ में आ रहा, गलती वहाँ पे नहीं है, गलती है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, क्योंकि आपने उस टाइम पे देखा ही नहीं था, आपने बहुत स्पीड में गए थे, आपने क्योंकि स्कूल वाले बहुत स्पीड में चल रहे होंगे, कुछ कई सारे चैप्टर्स चल रहे होंगे आप लोग के स्कूल के अंदर, दबा दो एक्सरसाइज करवाई, एक इलस्ट्रेशन करवाया, समझा दिया सर हमें तो ओरली करवाते, ऐसा फटाफट भगा देते। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो फिर दिक्कत ही नहीं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमें डर ये लगता है कि सर हमारे बहुत सारे डाउट रह गए, पर अगर आप इस तरीके से पढ़ो जहाँ पे आपके डाउट रहने की कोई जगह ही ना हो तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो समझो यहाँ पे हुआ क्या। देखो मान लो मेरे प्यून ने ये बोला कि सर हमारा है ना एक वॉश बेसिन के अंदर एक जो टैप है नल है वो बिगड़ गया, प्लम्बर को बुलाना है। मैंने बोला बुला लो प्लम्बर को, क्या दिक्कत है। प्लम्बर भाई साहब आए, प्लम्बर ने बोला आपका है ना पूरी पाइप तोड़ के नई लगानी होगी। मैंने बोला कितना खर्चा है, तो क्या 1200 रुपये आएंगे आपका खर्चा। मैंने बोला कोई बात नहीं, तो उसने बोला करवा दूँ। मैंने बोला हाँ कर दो, तो क्या मैं शाम को आता हूँ वो पाइप लेके। ठीक है, अब मैं बैठा हुआ था, मैंने सोचा यार उसको 1500 रुपये बोले हुए उसने 1200 रुपये तो चाहिए तो सही। तो मैंने क्या सोचा उसी टाइम पे दोपहर को मैं फ्री था, मेरे लेक्चर्स नहीं थे, तो मैं नीचे है ना नीचे चला गया, एक बैंक थी बाजू में, और बैंक के अंदर जहाँ पे मेरा अकाउंट था वहाँ पे जाके मैंने डेबिट कार्ड डाला, एटीएम से पैसा निकाला, और मैंने सोचा कितना पैसा लेके आ जाता, क्योंकि उसने बोला था 1200 रुपये, तो मैं सेफर साइड पे कितने रुपए उठा के आ गया, 1500 रुपये उठा के मैं आ गया। अब आके मैं बैठ गया, 1500 रुपये मैंने ड्रॉर में डाल दिए और ड्रॉर में आके बैठा। अब आप बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचो हुआ क्या। बिजनेस देख रहा है दूर से, भाई ओनर चलते चलते बाहर गया, बाहर जाने के बाद उसने बैंक में गया, पैसे उठाए, उसने अपनी जेब में रखे, पर उस बंदे ने जेब में रखने के बाद वापस ऑफिस आने के बाद ऑफिस में ही डाल दिया। मुझे ये बताओ क्या अभी तक मेरा कोई भी खर्चा हुआ है? आंसर इज नो, खर्चा नहीं हुआ, कोई भी खर्चा नहीं हुआ। सुनना, अभी तक वो प्लम्बर आया नहीं है, मैंने उसका खाली पैसा निकाला है। तो ये ट्रांजेक्शन के अंदर ऑफिस एक्सपेंस के लिए मैंने खाली पैसा लिया है, उसके बारे में ऑफिस एक्सपेंस हुआ नहीं है, एक भी रुपए का ऑफिस एक्सपेंस हुआ नहीं। तो यहाँ पे फिफ्थ डेट पे, क्योंकि ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और विड्रॉ कैश है तो कैश अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश अकाउंट, तो ये आ गया रियल अकाउंट। इसके अलावा क्योंकि अभी ऑफिस एक्सपेंस हुआ नहीं है तो मैं इसको देखने वाला नहीं हूँ। आपको ऑफिस एक्सपेंस को देखना ही नहीं, आपको देखना है बैंक, दूसरा कहाँ से पैसे लेके आया। अच्छा बैंक में से लेके आया, ओनर अपनी जेब से नहीं दे रहा था, ये तो अपने ही बैंक से लेके आया, बैंक पर्सनल बन जाता है। अब बिजनेस के अंदर ओनर बाहर चलते चलते गया था, फिर आया और उसने पैसे रखे, तो मुझे ये बताओ पैसे आए या गए। अब बोलो सर पैसा तो आए बिजनेस के अंदर, ओनर बाहर गया बैंक से या किधर से भी पैसा लेके आया और ओनर ने बिजनेस में पैसा दिया,
आपको अकाउंटिंग के वक्त बिजनेस को देखना है, ये मैंने बोला हुआ था, बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना। जिस दिन आपने ओनर के व्यू पॉइंट से सोचना चालू कर दिया, उस दिन आपका अकाउंटिंग खराब हो जाएगा। तो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो ये हो गया डेबिट, तो ये होगा क्रेडिट, क्योंकि बैंक इज द गिवर, बैंक इज द गिवर। और कितने रुपए, 1500 रुपए है, और 1500 रुपए, चलो हमारा काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद जाते हैं बैंक सेंड एन एडवाइस फॉर बैंक चार्जेस ₹30। अब अच्छा अच्छा बैंक ने क्या कर दी, एडवाइस भेजी, एडवाइस दी कि भाई हम चार्जेस जो है वो ₹30 लेंगे। अब एडवाइस का मतलब ये होता है बैंक वालों ने पैसे काट लिए, बैंक वाले पूछने नहीं बैठते। हेलो हार खाना खा के जाना, ये सोफिस्टिकेटेड भाषा है जो इन लोग ने ये बोला कि वो लोग ने एडवाइस किया हुआ है, दैट मीन्स उन लोग ने पैसा काट लिया गया है। तो इकोनॉमिक तो है, और साथ साथ के अंदर, साथ साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये बैंक वालों ने पैसा काट लिया, तो एक तो मुझे बैंक चार्जेस दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही दुख भरी चीज़ है, कभी भी चार्जेस देना अच्छा लगता है, तो बैंक चार्ज। और ये पैसा उन लोग ने कहाँ से काटा होगा, क्या बैंक वाले घर पे आके पैसा मांगते हैं, मुझे ये बताओ। आप बोलोगे नहीं सर, बैंक वाले थोड़ी घर पे आके पैसा मांगते हैं। हाँ तो कहाँ से पैसा मांग, तो उन लोग ने सर हमारे बैंक अकाउंट से ही काट लिया होगा। तो मैंने बोला बैंक अकाउंट, अकाउंट लिख देता हूँ, चलो बैंक अकाउंट नॉमिनल बन जाता है, बैंक चार्जेस अकाउंट नॉमिनल है, बैंक अकाउंट क्या बन जाता है, पर्सनल बन जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, भाई नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का रूल क्या था, नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि बैंक वालों ने मेरे खाते में से बैंक चार्जेस काट लिए, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है। आप बोलो सर एक्सपेंस है आपके लिए, वेरी गुड, तो बैंक चार्जेस आर एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो ये क्रेडिट, क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये बैंक चार्जेस का पैसा किसने दिया, मेरे बिहाफ पे किसने दिया, बैंक ने दिया, तो मैं लिख सकता हूं बैंक इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये भी मेरा काम हो गया। यहां तक तो सब कुछ सही जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अमाउंट कितने रुपए, 30, 30, चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ते। रेंट ऑफ 700 इज ड्यू टू बी रिसीव फ्रॉम थॉर, ओहो सर IMP, इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सुनना मैं, रेंट ऑफ ₹500 इज ड्यू, मतलब थोर भाई साहब ने अभी तक अपना भाड़ा दिया नहीं है, इसकी क्या इफेक्ट है सर, क्या ये इकोनॉमिक है, हाँ इकोनॉमिक है। कैश क्रेडिट के अंदर क्या है, तो अगर मैं अभी के लिए बोलूँ, क्योंकि कैश दी नहीं है, ड्यू है, अभी तक पैसा दिया नहीं है, तो कैश तो नहीं। सर क्या इसे क्रेडिट बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। क्या इसे स्पेशल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो सर लिखे तो लिखे क्या, आप तो दोनों जगह पे कंफ्यूज कर रहे हो सर। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर देता हूँ, इज ड्यू टू बी रिसीव की जगह पे मैं ऐसा कर देता हूँ, रेंट ऑफ ₹500 रिसीव फ्रॉम थोर, इतना कर देता हूँ, ड्यू टू बी निकाल देता हूँ। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सर रेंट ₹500 रिसीव फ्रॉम थोर, तो ये बन जाता है कैश ट्रांजेक्शन, वेरी गुड। तो सर मैं तो है ना आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, मैंने बोला बताओ बेटा क्या करते, तो मैं लिख देता यहाँ पे एक हो जाता कैश अकाउंट, मैंने बोला वेरी गुड बेटा जोरदार, और दूसरा मैं लिख देता रेंट अकाउंट, क्योंकि रिसीव्ड है तो पार्टी का नाम देखने की जरूरत नहीं है, रेंट अकाउंट, मैंने बोला जोरदार। अब मैं आप क्या करते, तो आप बोलते सर कैश जो है वो रियल अकाउंट है, मैंने बोला वेरी गुड, रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। भाई रिसीव्ड है मतलब पैसा आया, रियल के अंदर आया और गया देखा जाता है, तो पैसा आया, तो कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इसे मैं कर देता क्रेडिट, और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये तो मेरी इनकम है, रेंट इज एन इनकम, ये मैं काम कर देता। ओके सर ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर ड्यू टू बी नहीं लिखा होता तो मैं ये काम कर लेता, पर हमारी मजबूरी ये है, हमारी मजबूरी है कि ड्यू टू बी लिखा हुआ है, तो सर क्या करे ऐसे केस के अंदर, सर करे तो करे क्या, तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट तो लिख नहीं पाऊंगा, ये तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो अब मैं क्या करूँ। अगर देखो जिसके पास से आपको पैसा लेना हो, आपकी उम्मीद हो कि भाई पैसा आएगा और पैसा नहीं आता, तो आप क्या करते हो, उस बंदे को याद करते हो। तो यहाँ पे कौन है बंदा, एक बंदा है थोर,
आप किसे याद कर रहे हैं? थोर, नालायक जैसा थोर जिसने अभी तक हमें ना दिया पैसा, ये याद कर। या तो फिर आप याद करोगे आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट या तो एक्रूड इनकम अकाउंट, ये सारे अलग अलग नाम है। आउटस्टैंडिंग को दूसरे इनकम होती है, उसे एक्रूड भी बोला जाता है, ACCRUED, एक्रूड इनकम अकाउंट। तो ये हम लोग लिखेंगे। अब ये रियल वैसे ये कैंसिल होके बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। ये कौन सा बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। अगर याद हो तो मैंने पर्सनल या नॉमिनल के वक्त समझाया था। ये रिप्रेजेंटेटिव, आउटस्टैंडिंग रेंट अगर मैं बोलूँ तो मुझे थोर ही याद आएगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सनल। याद आया, ऐसी कुछ बातें की थी सालों पहले। हाँ बेटा याद रखो ये सारी बातें। चलो ये पर्सनल। अब थोर इज द रिसीवर ऑफ सर्विस। भाई हमने उसे सर्विस दे दी, भाड़े पे घर दे दिया, पर उसने अभी तक पैसा दिया नहीं। तो हमारा यहां पे डेबिट क्रेडिट वाला किस्सा तो इजी है, वो तो सेम टू सेम रहा। मैंने खाली चेंज क्या किया, अगर ध्यान से देखो तो मैंने पार्टी का नाम कैश की जगह पे थोर कर दिया, और दूसरा खाली मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट था उसको मैंने थोड़ा समझा दिया कि थोर इज द रिसीवर ऑफ द सर्विस बट हैज नॉट मेड द पेमेंट। तो जनरली जब भी ऐसे कोई ट्रांजेक्शन आते हैं जो किसी का पैसा बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज रुपीज दिस मंथ, तो उसके अंदर एक सिंपल सा काम ये करो, पहले ये समझो अगर पैसा दे दिया होता या पैसा मिल गया होता तो क्या इफेक्ट आता। आप अपना डेबिट क्रेडिट सब कुछ एडजस्ट कर लो, फिर ये करो कि अगर पैसा नहीं मिला तो कैश तो लिख नहीं सकते, तो वो हटा दो। उसकी जगह पे क्या लिखोगे? अब वो आप बोलोगे सर उसका नाम याद लिखेंगे, तो नाम लिख दो, उसको पर्सनल कर दो। आपका डेबिट और क्रेडिट कभी भी चेंज होने वाले नहीं है। तो ये रूल अगर आप समझ जाते हो अपने दिमाग के अंदर, अगर ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ उसको वापस से रिमाइंड करो, समझ में नहीं आ रही वापस से देखो आपको क्लियर हो। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी पैसा नहीं मिला या तो पैसा नहीं आया, दोनों केस के अंदर ये समझ के पहले एंट्री करो कि पैसा आ गया। अगर पैसा आ गया ये समझ के आपने एंट्री कर ली तो आपका काम इजी हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई हो जाएंगे। बस खाली फिर कैश को हटा दो, उस पार्टी का लिख दो, या तो फिर आउटस्टैंडिंग लिख दो, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग ब्रोकरेज, जो भी कुछ लिखना वो लिख सकते हो आप लोग। चलो फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रणवीर फॉर सेंडिंग गुड्स ऑफ रुपीज 2000। प्लेस्ड एन ऑर्डर, सर कुछ याद आ रहा है जब आपने कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन करवाया था कि उसके अंदर नीचे लिखा होता प्लेस्ड एन ऑर्डर, रिसीव्ड एन ऑर्डर, रिसीव्ड फ्री सैंपल्स, ये सारी चीजें जो होती है वो बन जाती है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो इसकी कोई भी इफेक्ट आने वाली नहीं है। तो मैंने ट्रांजेक्शन के अंदर पहली चीज बोली हुई थी आप लोग को चेक करने के लिए कि वेदर वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, पहले वो चेक करो, अगर वो मिल जाता तो आपका कहानी इजी हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, गुड्स ऑफ रुपीज 500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई। ओहो सर क्या करें, ये भी स्पेशल ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक है और स्पेशल भी है। सबसे पहले तो आग लग गई तो होता क्या है, लॉस ड्यू टू फायर। अच्छा आग लगने से हो गया हमें घाटा, इसके अलावा हमारे गुड्स जल गए तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। ओहो लॉस है वो नॉमिनल में जाता है, गुड्स है वो रियल में जाता है। भाई आग लगने से गुड्स क्या हो गए, चले गए हमारे हाथ से। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आग की वजह से गुड्स चले गए, गुड्स गोज आउट, गुड्स ड्यू टू फायर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये डेबिट हो जाए, क्यों? क्योंकि लॉस ड्यू टू फायर इज एन एक्सपेंस, लॉस ड्यू टू फायर इज एन एक्सपेंस, लिखने की जगह पे लॉस ही है तो वो तो हाईलाइट हो ही गया। अब अमाउंट लिख दो 500। चलो हो गया हमारा काम। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। ये सारे मैंने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आप लोग को इसलिए दिए आपका दिमाग जो है ना वो हर एक डायमेंशन में खुलता जाए और आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको इफेक्ट देनी है और इसको देखते जाना है। चलो फिर आगे जाते हैं, भाई पेड रुपीज 300 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द शॉप। अच्छा शॉप बाय चेक, 10 ट्रांजेक्शन पहला और दूसरा, क्या इकोनॉमिक है? हाँ इकोनॉमिक है, कैश और क्रेडिट में से। आप बोलोगे सर सीएसएफ तो नहीं दिया हुआ,
पर पेड वर्ड आ गया तो CSH होगा, पर इन लोगों ने किससे दिया हुआ है? चेक से। मतलब मैंने पैसा जेब से नहीं दिया, मैंने चेक से दिया। मतलब वो पैसा कहाँ से दिया होगा? तो आप बोलोगे सर बैंक से दिया होगा। वेरी गुड, तो मैं कैश की जगह पे क्या लिख दूंगा? बैंक अकाउंट लिख दूंगा। अब बैंक अकाउंट लिखने के बाद दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सर इंश्योरेंस प्रीमियम इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, तो इंश्योरेंस प्रीमियम और शॉप के लिए, ठीक है भाई। बैंक अकाउंट है वो पर्सनल है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो नॉमिनल है। पर्सनल रियल नॉमिनल में से पहला तो देखो, अगर आपके पास रियल है तो रियल का काम ईजी हो जाए, पर आपके पास रियल है नहीं तो अब आप किसे देखो? नॉमिनल को देखो। नॉमिनल को अगर आप देख रहे हो तो नॉमिनल का होता है एक्सपेंस और इनकम। इंश्योरेंस प्रीमियम में वो आपके लिए एक्सपेंस है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस। चलो तो ये डेबिट हो गया, तो ये होगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बैंक इज द गिवर। आपका बहुत ही इजी काम है, आप इतना समझ लो कि पर्सनल आइडेंटिफाई हो चुका है तो वो रिसीवर गिवर में से होगा। अगर वो नॉमिनल है तो इनकम या एक्सपेंस में से होगा, अगर वो रियल है तो कम्स इन और गोज आउट होगा। ये इतनी चीज़ों से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देनी है 300, आपका काम खत्म। सारे कॉम्प्लेक्स जितने भी आपके बुक के अंदर पॉसिबल्स थे, जितने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल थे, वो सारे मैंने यहाँ पे करवा लिए। आप अगर ये 10 क्वेश्चन को अगर अच्छी तरीके से कर लो तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। साथ साथ के अंदर मैंने कुछ प्रैक्टिस सम्स आपकी कौतल्य बैच के अंदर अपलोड कर दिए UKIC ऑनलाइन पे। वो एक फ्री कोर्स है, आप UKIC ऑनलाइन की ऐप पे जाके कर सकते हो या तो www.ukicionline.com पे जाओ। वहाँ पे आपको कोर्सेज के अंदर जाना, कोर्सेज के अंदर आपको कोर्सेज दिखाई दिया जाएगा 11th कॉमर्स का, और मैंने नीचे लिंक भी दे दिया, आप डायरेक्ट लिंक से भी जा सकते हो। वो ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे एक फ्री कोर्स है, आपको साइन अप हो जाना है और उस कोर्स के अंदर चले जाए। कौतिल्य करके एक बैच हमने रखी हुई है, बहुत सारे बच्चे उसके अंदर एनरोल हो चुके हैं। वहाँ पे हम लोग ने सारी नोट्स अपलोड कर दिए, क्वेश्चन बैंक डाल रहे हैं, साथ साथ में मैं स्कूल के पेपर्स के क्वेश्चन बैंक भी रिसेंटली अपलोड करने वाला हूँ। और आगे जाके हमारा प्लान है, क्योंकि आप लोग की एग्जाम आ रही होगी तो उसके अंदर कुछ लाइव लेक्चर्स भी हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, तो उसके नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, उसके अंदर एनरोल हो जाना। सारे ये लेक्चर की नोट्स और PDF वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी, कुछ प्रैक्टिस सम्स भी मिल जाएगी जिससे आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाओ। तो आपको किधर भी गुजरात बोर्ड के अंदर दिक्कत आने वाली नहीं। क्या बात है सर, ये बात है। आपको ये सारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं वो आप हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो, हमारा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। साथ साथ के अंदर अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ने में मज़ा आ रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने हो सके उतने अपने स्कूल के फ्रेंड्स को, अपने जहाँ पे भी ये 11th वाले बच्चे उन सबको साथ ये शेयर करते जाओ। इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय, सी यू टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए आओ जो। क्या बोल रहे हो बच्चे? यूट्यूब के वीडियो देखने से अच्छा इंस्टाग्राम पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते, ये सच है? जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर।